है भाजपा सरकार कह रही है कि हम 700 पार जाएंगे, इसलिए हमने विकास काम भूखे मर रहे हैं, हम रोटी ना लाले पड़ रहे हैं। सारे अच्छा है, राष्ट्रवाद है, उजला गैस मिल रहा है, बाकी फ्री में राशन मिल रहा है। केजरीवाल जो जेल में बंद है, क्या लग रहा है कब तक वापस आएंगे? अगले हफ्ते महीने में छूट जाएगा। आप मुझे तीन काम बता दीजिए, फ्री का राशन तो मिल ही रहे, अब ज्यादा नहीं बोल सकता। केजरीवाल जेल चले गए, क्या लगता है भ्रष्टाचार किया था? केजरीवाल बढ़िया नाम है, मोदी ने रुपया गिर ले, खाली पड़ी हमारी नहीं भरी। कोई यहाँ पर भाजपा के लिए बोल नहीं है, कोई बोलेगा अब लोग वोट नहीं दे पाएंगे ना, एक ही को देंगे। पाँच साल बाद किसी और को देंगे, फिर पाँच साल के बाद किसी और को देंगे, फिर पाँच साल के बाद किसी और को देंगे। वैसे ही धक्के खा रहे हैं लोग, हमारे काम गंदे आते भाग जाते, आते भी नहीं है काम खबर। सटीक खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं NTR समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NTR समाचार। 2024 के चुनाव बेहद नजदीक है और गली गली पूछे पूछे जाकर के हम सर्वे करके आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर जनता चाहती क्या है। जो उतरे तबके पर बैठे हुए लोग हैं उनकी क्या राय है वो आप सभी को पता है, लेकिन जिन जनता के लिए कार्य करने की बात भाजपा सरकार यानी कि मौजूदा सरकार कर रही है, क्या वो जनता भाजपा को पसंद करती है या फिर इस बार वो जनता अपनी सरकार बदलना चाहती है, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो आइए जनता से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बार 400 पार हो पाएगा। अरे केजरीवाल जेल चले गए, क्या लगता है भ्रष्टाचार किया था? केजरीवाल बढ़िया ना गया, नहीं किया नहीं। तो फिर जेल कैसे पहुँच गए? अरे ये तो वैसे ही दारू पार हुए, ठेके खुल गए, जब करवा दिया वैसे। तो मोदी ने बहुत पैसा घोटाला किया है शराब नीति में। अरे इसने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया। साजिश लग रही है क्या आपको? हाँ सही है, केजरीवाल तो बढ़िया है। भाजपा सरकार कहीं 400 पार जाएंगे, हमने पानी भी नहीं देते, चार कहाँ चली जाएगी? पानी दिल्ली में तो वो तो केजरीवाल का काम है ना, काम का वही दे रहा। वैसे देश में जो है भाजपा सरकार कह रही है कि हम 400 पार जाएंगे, इसलिए हमने विकास काम भूखे मर रहे हैं, हम रोटी ना लाले पड़ रहे हैं, रोटी को लाले पड़ रहे, रद्दी का काम पिट गया। अच्छा, सब मोबाइल पर डाल दिया मोदी ने, काम नहीं हो रहा है। चलो रोजगार तो बढ़ा दिए उन्होंने, अरे कहाँ बढ़ा दिए, पैसे जिम में ना बर्बाद हो गए। गरीबों के लिए काम करे, 5 किलो राशन दे रहे, आए दोगुनी कर रहे। लो आप जाकर राशन 5 किलो 75 रुपए का बैठेगा, पहले भी 75 का मिलता था हमें, जो कांग्रेस के जमाने से 75 रुपए का राशन मिलता था। अच्छा, अभी भी 75 रुपए ले रहे हैं? अब ना ले रहे कुछ भी, अब 75 में क्या हो जाएगा? नाराजगी क्या है आपको भाजपा से? क्या नाराजगी? आप तो देते नहीं, वोट ही नहीं देते, तो आम आदमी देते हैं। देश के विकास में काम हुआ है नहीं हुआ ये बता दीजिए। कहाँ हुआ दिल्ली में, कहाँ हुआ देख रहे हो आप? दिल्ली को लेकर के चल रहे हैं, मोदी जी पूरे देश का सोच रहे हैं। यूपी में वैसे ही धक्के खा रहे हैं लोग, हमारे काम गंदे आते भाग जाते, आते भी नहीं है काम खबर, नहीं हो रहा है कुछ काम, कुछ नहीं। अरे केजरीवाल जो जेल में बंद है, क्या लग रहा है कब तक वापस आएंगे? अगले हफ्ते महीने में छूट जाएगा, छूट जाएंगे पक्का, यकीन है आपको? जो जमानत के लिए याचिका दी थी ना कोर्ट में, वो खारिज हो गई। अरे तो अभी तो एक बार की में थोड़ी हो जाएगी, खारिज जब सुनवाई होगी, होगी सुनवाई। हाँ आप लोग बताएं भाजपा काम अच्छे लगते हैं आप लोगों को? मोदी ने रुपया गिर ले, जेब खाली पड़ी हमारी नहीं भरी। कोई यहाँ पर भाजपा के लिए बोल नहीं रहा है? ना कोई बोलेगा, नहीं बोलेगा। इतनी नाराज है क्या जनता यहाँ की? चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर काम हुआ है या नहीं हुआ है। भाजपा सरकार अच्छी लग रही है आपको? जी भाजपा की सरकार अच्छी लग रही है आपको? हमको तो दोनों की अच्छी लग रही है। कौन सी? दोनों अच्छी लग रही है। दोनों कौन सी? दो ही पार्टी है, दूसरा कौन है? दूसरी पार्टी कौन सी है या कांग्रेस की? अब आप बताइए ना कि कौन सी है? एक भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी हो गया, आपको कौन सी सही लग रही है? हमें तो सब लग रहे हैं अच्छे, सब लग रहे हैं। मोदी के कौन से काम बढ़िया लग रहे हैं आपको? हमें तो सबके अच्छे लग रहे हैं, सबके ही अच्छे लग रहे हैं। सबको वोट थोड़ी दे देंगे? अरे तो सबको तो देंगे, सब लोग वोट नहीं दे पाएंगे ना, एक ही को देंगे। पाँच साल बाद किसी और को देंगे, फिर पाँच साल के बाद किसी और को देंगे, फिर पाँच साल के बाद किसी और को देंगे, ये थोड़ी एक ही पार्टी को देंगे। अच्छा, तो अभी फिलहाल जो है केंद्र की सरकार अच्छी लग रही है या जो दिल्ली सरकार काम कर रही है वो सही लग रही है? हमें दोनों अच्छे लग रही है, दोनों सही लग रहे हैं। आप बताइए भाजपा सरकार अच्छी लग रही है आपको? नहीं, केजरीवाल अच्छे लग रहे हैं आपको? मोदी जी अच्छे लग रहे हैं? बिल्कुल, मोदी जी बहुत अच्छा लग रहे हैं। क्या अच्छा लग रहा है मोदी जी? उसका काम धंधा सारे अच्छे ही लग रहे हैं। हाँ जितने किस तरह का काम कर रही है मोदी? अब जैसा भी काम कर रहा है, काम तो अच्छा ही है। जैसा भी काम कैसा? काम क्या गिनती कर रहा हूँ, काम गिनती कराऊंगा तो बहुत सारा काम है। कोई बात नहीं, आप मुझे तीन काम बता दीजिए। हैं? तीन काम, फ्री का राशन तो मिल ही रहे हैं, अब ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। बाकी के दो भी बता दीजिए। देखिए काम तो बहुत सारा है, तो बाकी के दो काम बता दीजिए ना। अब क्या बताऊँ मैं, बोलता भैया फ्री का राशन तो मिल ही रहे हैं, राम मंदिर मिल ही रहे हैं, पूजा लोग करने जा ही रहे हैं, ठीक है, और अब ये रोड हाईवे बन ही रहे हैं,
इतना काम पहले नहीं बनता था क्या रोड हाईवे पहले नहीं था क्या मंदिर? मैंने तो इतने काम अब पहले भी बनता था लेकिन अभी जो मुद्दा बनाया है कि भाई राम मंदिर तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ इतना तो काम बनी रहे उनका। महंगाई बेरोजगारी कैसी लग रही है? महंगाई तो देखो जी महंगाई तो खाना तो खा ही रहे ना खाना तो खा ही रहे किसी भी तरह से तो खाना तो चल ही रहा है बस यही है हमारा। तो उससे कोई आपको परेशानी नहीं है? परेशानी क्या परेशानी तो सबको है पूरे जनता ही को परेशानी पर ये है कि अब कौन इसका समाधान करेगा कौन करेगा? तो यही सरकार कर देगी या सरकार बदलने का होगा? ये हमारे से थोड़ी ना एक से पूरी जनता का एक एक वोट मायने रखता है कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता ना मैम जैसे नहीं ना जनता तय करेगा कि ये क्या होगा। में नहीं आते आप नेता है क्या? अब मैं तो जा रहा हूँ। आप बताइए बात तो सरकार अच्छी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है सारे अच्छा है राष्ट्रवाद है उजला गैस मिल रहा है बाकी फ्री में राशन मिल रहा है रोजाना कितने किलोमीटर की रोड बन रहा है विकास हो रहा है सबसे सस्ता यहाँ इंडिया में सस्ता हर चीज है आपको। पहले जो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले जो पेट्रोल था वो 35-40 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए मान लेते हैं मैम और अब जो है 100 के पार भी गया था। आप एक होता 2002 में चला जाओ 2002 में चला जाओ उस टाइम कितने रुपए तेल था 25 रुपए और 2013 में चला जाओ कितने रुपए था 70 रुपए तो ये भी देखो ना अब 100 रुपए है तो 30 रुपए बढ़ गया ठीक है आपकी बात मान लेते हैं जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे महंगाई बढ़ लेते हैं 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए तेल हो गया था 70 साल लगे 70 रुपए तेल होने में और 100 के पार जाने में सिर्फ 10 साल तो ये कोई महंगाई नहीं बढ़ा है उतने सालों में देखो ना कितने जनसंख्या भी तो बढ़ गया है डेली बढ़ रहे जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है तो ठीक है महंगाई तो बढ़ रहा है ठीक है रोजगार रोजगार भी भरपूर है लोग खूब खा रहे हैं। लोग ये देखिए सारे बेरोजगार घूम रहे हैं सारे पीछे एक बार दिखा दीजिए एक बार कैमरा घुमा दीजिए पीछे ये सारे बेरोजगार ये दिख रहा है ये 5,000 डेली कमाता है वो भाई देखो कम से कम 20,000 रुपए डेली कमाता है। अब ये देखो पानी वानी भर के सभी कमा ही रहे सब खा ही रहे आप देखो 2,000 डेली का कमा रहे हैं ये हमारे भाई भाजपा की सरकार में आप डेली का कितना कमा रहे हैं 1,00,000 रुपए आप लोग बताएं कोई काम आप लोगों को अच्छा लग रहा हो आपको अच्छा लग रहा है कोई काम ठीक है ठीक है क्या ठीक है बीजेपी है बढ़िया और क्या उससे ज्यादा बीजेपी है बढ़िया बस इतना काम वाम सारे कर रहे हैं काम करने वाले के लिए काम है इतना करने वाले नहीं है नहीं करना नहीं है सबसे बेस्ट है।